हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्ष वागला। एक बार फिर तो तुहाडा इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी स्टूडेंट्स, जिमें कि तुहानू पता है पंजाब स्टेट दे विच अपकमिंग एग्जाम्स आ चुके ने, ठीक है। जिमें कि एक्साइज इंस्पैक्टर का हो गया, क्लैरिकल पोस्ट आई है सी, ठीक है। उन्होंने एग्जाम भी जनवरी से दिसंबर में हो जाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही वधिया मौका है पंजाब गवर्नमेंट के अंडर एक सिक्योर जॉब लैन का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक होर बहुत वड्डी खुशखबरी की गल है कि सेंटर की जॉब जिहड़ी कि एस एस सी ने कढ़ी है जी डी दीआं पोस्टां, ठीक है। एस एस सी दीआं जी डी दीआं पोस्टां भी निकल चुके ने स्टूडेंट्स, ठीक है। ये थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा पोस्टां निकली हैं। 24,369 पोस्टां हैगीआं स्टूडेंट्स, 24,369। फर्स्ट टाइम है इन्नी पोस्टां निकली एस एस सी दीआं। देखो ये पोस्ट की कर सकते, भरनी है, इनकी तैयारी करना बहुत ही आसान है, कुछ औखा नहीं है, ठीक है। तुसी की करना स्टूडेंट, सिर्फ इनके एक पेपर होना इनका, उस पेपर की आप जानकारी सारी तुम्हें प्रोपर होने इस वीडियो में दसी जाएगी। एक इनका पेपर होना है, उस तो बाद फिजिकल टेस्ट होना है, बस उस तो बाद जॉब मिल जानी तुम्हें इस तो बाद, ठीक है। तुहाडा काम है पढ़ना, पढ़ना भी इन्ना हवी हाई लैवल नहीं होएगा जिन्ना सी जी एल सी एच एस एल होंगे, उनके नालों घट ही लैवल होंगे एग्जाम का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्री एग्जाम तुहाडा की हो गया, एक एग्जाम होएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होएगा, ऑनलाइन एग्जाम होना तुहाडा, उन्हें पास करो, मैरिट में नाम आ गया तो तुहाडा फिर फिजिकल होना है। फिजिकल दे विच भी बहुत बहुत स्टूडेंट्स से मतलब आदि लिस्ट के मैरिट लिस्ट में बहुत स्टूडेंट्स आएंगे जिन्हें फिजिकल वास्ते बुलाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लगभग अराउंड फाइव टू सिक्स टाइम्स बच्चे बुलाए जाते हैं फिजिकल वास्ते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुछ भी औखा नहीं है, एग्जाम की तैयारी करनी बहुत ही आसान है, ज्ञानम की टीम थोड़े नाल है, ठीक है। तो आप पहले सब तो पहला एग्जाम की गल करते हैं कि इस एग्जाम किवें की किवें प्रेफरेंस किवें भरना एग्जाम नू, किवें तुसी तैयारी कर सकते हो, किवें साडी ज्ञानम की टीम तुहाडी हैल्प करेगी, सब कुछ दसांगे, साडे कोर्सिस बारे सब कुछ दसया जाएगा, ठीक है। चलो आप देखते हैं। हाँ जी, जिमें कि हमने दसिया है एस एस सी ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड ने जी डी दियाँ जी डी होंगे कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल पोस्टा कटिया ने कि 24,369 इन्हों के कॉन्स्टेबल तो आ ही गया, कॉन्स्टेबल की पोस्टा भी है, प्लस राइफलमैन की पोस्टा भी है, ठीक है, प्लस सिपोए सिपोही दिया भी पोस्ट है, सिपोही सिपाही होंगे, ठीक है। इन्हें तिना मिला के टोटल पोस्ट है 24,369 पोस्ट है स्टूडेंट्स, 24,369 आदि आप जी बहुत ही वड्डा नंबर है स्टूडेंट, बहुत ही वड्डा, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है 24,369, ठीक है। चलो आप इन्हें गल करते हैं प्री एग्जाम एग्जाम के पैटर्न रहेगा आप देखते हैं। तो देखो पहली गल तो सब तो पहली गल इन्हां दी रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर तो यानी कि अज तो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। कदों तक चलेगी, लास्ट डेट की है 31 नवंबर 2022, ये लास्ट डेट इस एग्जाम नू फिल करन दी, ठीक है। तो लास्ट से जाके इन्हां दी साइट हैवी हो जाती है, तो स्टूडेंट्स ठीक है बिना कोई रिस्क ले तुसी अज ही मतलब अस बहुत ही जिन्ना जल्दी हो सके इस एग्जाम नू तुसी भरना है, ठीक है। हुण आपां गल करदे आ, ये होगी अपनी लास्ट डेट, पहली इनफॉर्मेशन सी लास्ट डेट दी, ठीक है। दूजी गल क्वालिफिकेशन की होनगियां दी, जी डी वास्ते क्वालिफिकेशन की होनगियां, क्वालिफिकेशन स्टूडेंट देखो हैरान हो जाओगे तुसी, क्वालिफिकेशन की आंदी 10th पास मंगे, सिर्फ 10th पास किन्ने मंगे हुए स्टूडेंट्स, 10th पास मंगे हुए है, सिर्फ 10th जिन्होंने 10th पास कर ली वो पेपर नू भर सकते हैं, ठीक है। दूजी गल ये तो होगी क्वालिफिकेशन एजुकेशन वाली, ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है तुहाडी। दूजी क्वालिफिकेशन होंदी है एज दे विच, मिनिमम एज कितनी आंदी, मिनिमम एज हैगी 18 ईयर्स, भी 18 साल या 18 साल तो उत्ते वाले इस पोस्ट नू भर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ आ गया, मिनिमम एज है 18 साल, क्वालिफिकेशन की है 10th पास होना चाहिए, बस सिंपल जी गल है, एग्जाम नू भरो, ठीक है, पेपर दो, फिजिकल कटो, बस जॉब लगो। उस तो बाद क्वालिफिकेशन हो गया, डेट हो गया, उस तो बाद आप गल करते हैं की पोस्ट है, की सैलरी हैगी इनकी, की सैलरी मतलब किवें पैटर्न की है, पहली गल तो एग्जाम का की रहेगा, सैलरी की गल तो आप बाद करेंगे, ठीक है। 24,369 पोस्ट, ठीक है। देखो हाँ जी, इनका एग्जाम लगभग जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग दे विच हो जाना है,
ठीक है, पहली गल। दूजी गल की पैटर्न रहेगा एग्जाम का आप देख लें, की पैटर्न रहेगा एग्जाम का आप देख लें। देखो टोटल क्वेश्चन होंगे 80 क्वेश्चन आने हैं, 80 क्वेश्चन का पेपर होएगा, ठीक है, 80 क्वेश्चन का एग्जाम होना है। 80 क्वेश्चन के विचों, 80 क्वेश्चन के विचों 20-20 नाल वंडे होएगा, 20 क्वेश्चन 20 20 20, 20 क्वेश्चन आने जी थोड़े जीके पोर्शन दे, 20 क्वेश्चन आने हैं जी थोड़े इंग्लिश दे, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आने हैं थोड़े रीजनिंग दे, तो लास्ट दे भी आने थोड़े मैथ, मैथ विच क्वांटिटेटिव हो गया जेड़ा कि आम सिलेबस चलता ही रहना, ठीक है, सारा कुछ वही कॉमन चीज ही है। मेन एसएससी की खासियत है एक अलग तो पार्ट आता है ट्रिग्नोमैट्री, ट्रिग्नोमैट्री भी इस मैथ वाले सैक्शन के इंक्लूडिड होएगा, ठीक है। तो यह अपना पैटर्न रहेगा एग्जाम का, 20 क्वेश्चन 20 20 20, टोटल हो गए 80 क्वेश्चन हो गए। ये 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे किन्ने मिनट के, 60 मिनट के, मिलेगा घंटे का टाइम, घंटे का टाइम मिलना है। इस घंटे के 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है, मतलब 80 क्वेश्चन तुहानू करन नू मिलणगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होएगा, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होएगा, 80 गुना हर एक क्वेश्चन होएगा 2 नंबर का, 80 गुना 2 160 नंबर का हो गया अपना पेपर पूरा टोटल, 2 नंबर के मार्क्स हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होएगा, तो नैगेटिव मार्किंग होएगी 0.5 होगी अपनी नैगेटिव मार्क डिजनगे भी, तुम जो क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.5 नंबर कट्टे जाएंगे, ठीक है। चलो हुण गल आंदी है स्टूडेंट्स, पैटर्न हो गया अपना जीके का, ठीक है, जीके कर ली, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग ते मैथ, 20 20 20 20, 80 क्वेश्चन हो गए टोटल, ते 60 मिनट तुहानू मिलने हैं इन्हां नू अटैम्प्ट करन वास्ते, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होना है, ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तुहानू, कंप्यूटर, ठीक है, CBE कहंदे आ इहनू, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है, 60 मिनट तुहानू मिलने हैं, ओके। चलो अगली गल हुण गल आंदी है इन चारों सैक्शनस की तैयारी किवें कीती जावे, इन चारों सैक्शन की तैयारी किस तरह की जाए, चलो आप देखते हैं। कुछ औखा नहीं है स्टूडेंट्स, 10th पास मंगे हुए हैं, ठीक है, की आना पाँ भी गल कर लें। देखो जीके दे विच मेन पोर्शन की रहना होंगे सबनों पता है, हिस्टरी आ गई, पोलिटी आ गई, ठीक है, स्टैटिक आ जाती बहुत ज़्यादा, उस तो बाद करंट अफेयर्स, तो थोड़ा बहुत पोर्शन रहता इकोनॉमिक्स का रह जाता, तो जियोग्राफी का रह जाता स्टूडेंट्स, ठीक है। इन्हां 5-6 चीज़ों को मिला के जीके पोर्शन होता है, ठीक है, इन्हां विचों 20 क्वेश्चन तुहानू मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है जी। दूजी गल इंग्लिश दे विच की आ सकता है, इंग्लिश दे विच एरर डिटेक्शन आ गए इंग्लिश दे विच, होर की आ सकता है, कंप्रेहेंशन आ जाएगा, तुहानू पढ़ना होएगा तो उहदे विच तुहानू क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। एक पैराजंबल्स आ सकते हैं, ठीक है, तुहानू 4-5 सेंटेंस दे देंगे, उन्होंने अरेंज करना होएगा लाइन वाइज कि ग्रामैटिकली आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह 20 क्वेश्चन बने होंगे, एंटोनियम सिनोनियम ईडियम फ्रेज सब कुछ इंग्लिश दे विच आएगा, ठीक है। रीजनिंग दे विच की मिलता तुहानू स्टूडेंट्स, सिलोब्स हो गए, ठीक है, क्लासीफिकेशनस हो गई, ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, तो सिटिंग अरेजमेंट हो गया, तो सिलेबस का सारा कुछ तो सबनों पता ही होएगा की आंदा, रीजनिंग का कुछ औखा नहीं, सब कुछ उही आना, ठीक है, जो मेन चलता होंगे पैटर्न उही रहेगा, ठीक है। वर्बल रीजनिंग आ गई, वाटर इमेज आ गया, ठीक है, क्लोक्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, बस यही अपना पैटर्न है, कैलेंडर हो गया, उस तो बाद क्यूब्स हो गया, डाइस हो गया, बस ये सब कुछ रहेगा। एक फोटो दे देंगे तुहानू, ठीक है, इमेज दे देंगे, उनके अकॉर्डिंग दसेंगे ये इमेज इन एम्बैड है, इन पई है कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हुण गल आती है मैथ की, मैथ के भी काम सारा उही है, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, ठीक है। ट्रिग्नोमैट्री, हाँ ट्रिग्नोमैट्री मेन गल रहेगी, खासियत हैगी है SSC वाले एग्जाम की, ट्रिग्नोमैट्री पक्का आएगी, साइन कोस सिटा, ठीक है, 10वीं क्लास से पढ़िया होगा तुम ट्रिग्नोमैट्री। उस तो बाद स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ज्योमैट्री का पोर्शन आएगा इन्हें, ज्योमैट्री, ट्रेन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, LCM, SCF, नंबर सिस्टम्स आ गए, डिविजिबिलिटी रूल्स,
मैनू इन डिवाइड करने के किमें की रूल चलता हों, ठीक है। तो यह सब रहेगा पैटर्न है, तुझे सब नू तुहानू पता होएगा, ठीक है। यह सब चीज़ें सारे नू पता होंगे, जनरल चीज़ें सब कुछ, ये सब कुछ इदा तो रहनगियां रहनगियां, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम की क्या खासियत है, इस एग्जाम का जिहड़ी कट ऑफ जाएगी ना, जिहड़ी कट ऑफ जाती है वो ज़्यादा नहीं जाती, ठीक है। मतलब कह सकते हैं भी इन्हों का लैवल सी जी एल तो सी एच एस एल नालों घट ही होएगा, ठीक है। तो सुन इन्ना औखा नहीं है ये वाला एग्जाम नू क्रैक करना, ठीक है। बड़े ही आराम नू तुसी इस एग्जाम नू क्रैक कर सकते हो, ठीक है। एक और गल की होंदा है, एनसीसी दा जिन्ना कोल एनसीसी दे सर्टिफिकेट बने हुए है, एनसीसी दे जिन्ना कोल सर्टिफिकेट बने हुए ने, ठीक है, उन्हां नू वेटेज मिलती है, उन्होंने वेटेज मिलेगी, जो नंबर आ गए ना इन्हों के होर बोनस मार्क्स मिल जाने जिन्हों को एनसीसी का सर्टिफिकेट बनया होगा, ए बी सी ए दे कुछ परसेंटेज मिल जाएंगे, बी दे ते सी दे, ठीक है। तो इस तरह तुम उदो ही मिलेंगे तो जो थोड़ा एग्जाम क्लीयर होंगे फिर ही जाके ऐड हो गए वाले नंबर, ठीक है। पहली गल तो मेन अपना फिर तो गल उ आ गई, एग्जाम को क्रैक करना ही पेगा, उस तो बाद अगर फरदर आप देखा, ठीक है। चलो ये गल भी आप कर ली, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तो बाद यह रहेगा अपने एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। 80 क्वेश्चन आने हैं, 20 20 20 चार सैक्शन के वंडिया होया, 60 मिनट का तुम्हें मिलना टाइम, दो नंबर का हर एक क्वेश्चन है, 0.5 है अपनी नैगेटिव मार्किंग, ठीक है। अगे आप देखते हैं तो एग्जाम थोड़ा होएगा क्लीयर किमें, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स आएंगे, उस कट ऑफ तो एक पर्टिकुलर मतलब मान लो 160 नंबर का पेपर है, 160 में कुछ भी दे देंगे भी, मान लो 70 तो 80 तो उत्ते वाला पास है, तो जिहड़े भी बच्चे 80 तो उत्ते वाले आएंगे ना उन्होंने फिजिकल टेस्ट वास्ते बुलाया जाएगा, फिजिकल टेस्ट प्लस मेडिकल टेस्ट वास्ते बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के तुम्हें जिम्मे पता ही है चेस्ट मैजरमेंट, सॉरी फिजिकल मैजरमेंट की होएगा, चेस्ट मैजर की जाएगी, हाइट मैजर की जाएगी, फिजिकल की होएगा उन्हें की होना तुम्हें रनिंग होएगी, ठीक है, रनिंग तुम्हें होएगी बस, हाई जंप लोंग जंप जो कुछ फिजिकल दू सब कुछ होएगा। फिर जेकर तुम क्लीयर कर देंगे फिजिकल भी तो बस थोड़ी जॉब सिक्योर है। उस तो बाद आप गल करते हैं सैलरी की, 21,700 per month सैलरी होएगी जी थोड़ी, ठीक है, 21,700 per month, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही वधिया मुक है, 24,369 पोस्ट है, ठीक है, बहुत ही वड्डा आंकड़ा है, बहुत ही वधिया मुक है जेडे 10th पास ने जिन्हों लगता है साडा फिजिकल भी हो जाएगा क्लीयर, थोड़ी बहुत लैक करते हो गए पैटर्न जीके दे विच या मैथ दे विच, थोड़े बहुत उन्होंने लगता भी कमी है, तो ज्ञानम दी टीम तुहाडे नाल है, ठीक है। साडा बैच स्टार्ट होने जा रहा है SSC GD का, स्पैशल फॉर SSC, ठीक है। साडे पंजाब एग्जाम्स लई साडे चलते ने बैच चलते ने, ठीक है। ऑनलाइन तुसी साडी वीडियोज़ भी देख सकते हो, यूट्यूब चैनल तुहानू पता ही है, ठीक है, ऑनलाइन तुसी वेखो, ठीक है। ऑनलाइन भी वीडियोज़ टाइम टू टाइम डेली अपडेट होनगियां, ठीक है, सारे रिलेटेड इंग्लिश दी होएगी, साइंस होएगा, जीके दी, मैथ दी, ठीक है। मैथ तुहानू इन्ना वधिया तरीके नाल कराया जाएगा, कंसैप्ट क्लीयर कराए जाएंगे, कंसैप्ट क्लीयर होणगे, कोई भी ट्रिक लोड ही नहीं पैनी ट्रिक दी आपां नू, ठीक है। कंसैप्ट पक्का, कोई मर्जी जिथों मर्जी क्वेश्चन आ जाए कदे नहीं भुलोगे, तो उस क्वेश्चन नू तुसी डील कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, SSC दा हुण गल आंदी है, SSC दा अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो तुसीं जल्द तो जल्द रजिस्ट्रेशन करवाओ, नंबर तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स च प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दो हाँ जी, एक और खास गल है, ज्ञानम अकैडमी अबोहर दे विच जिहड़ी कि साडी गल कर रहे हैं ऑफलाइन कोर्स की गल हो रही है, नीयर HDFC बैंक के कोल है अपनी ब्रांच, ठीक है, ज्ञानम अबोहर की बस स्टैंड के सामने, ठीक है, अबोहर बस स्टैंड के सामने ज्ञानम अकैडमी तुसीं विजिट करना है, ठीक है। दो दिन का, हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत ही वधिया गल है कि तुहानू असीं दो दिन का डेमो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दो दिन आओ, ठीक है, खुले दिमाग नाल आओ, वधिया डेमो लगाओ, ठीक है, तो तुहानू पता लग जाएगा की खासियत है, की खासियत है अकैडमी दी साडे, ठीक है। एक होर गल स्टूडेंट्स, साडे ज्ञानम दी स्पैशल ज्ञानम दी एक करंट अफेयर दी मैगजीन आती होंदी है, हर मंथ एवरी मंथ अपलोड होंदी है, ऐप ते भी मिल जाएगी तुहानू ज्ञानम वालियां दी, प्लस इन्हां दा ऑफलाइन वर्जन भी आंदा है, बुक आंदी है हर महीने, मैगजीन तुहानू प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा कोस्ट नहीं हैगी होंदी, ठीक है। उस तुसी की करना है, सानू असीं तुहानू करंट अफेयरस भी करवावांगे उन्हां तो वध के करावांगे उस मैगजीन तो, लेकिन उस मैगजीन दे विच तुसी बहुत हैल्प तुहानू मिलेगी, उस मैगजीन दे थ्रू तुहानू बहुत ही ज़्यादा हैल्प मिलनी है करंट अफेयरस की,
बहुत ही वधिया तरीके नाल बनाई जाती है। ठीक है, 6 महीने का पिछले हर 6 महीने के पूरा कोर्स उनके प्रोवाइड होंगे, पूरा करंट अफेयर दिता उन्होंने। ठीक है चलो, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपनी अज ली। ठीक है, मेन तुहानू यही दसना भी पोस्टा निकल चुके हैं एस एस सी दियाँ, पंजाब एग्जाम तुहानू पता है, बच्चों ने भर चुके हैं, एग्जाम डेट तुहानू पता है। ठीक है, जनवरी के एक्साइज होना है, वीडियो भी उदो होना है, विलेज डिवेलपमेंट ऑफिसर फॉरैसट गार्ड का नवंबर में आ रहा, 13 नवंबर में है, कलैरिकल 2 क्लर्क के पेपर भी है, एक है दिसंबर के, एक है जनवरी के। पंजाब एग्जाम्स लिए भी साढ़े बैच चलते हैं, ऑफलाइन बैच भी चलते हैं, ऑनलाइन भी चलते हैं, ऑनलाइन फॉर बोथ एस एस सी एंड पंजाब एग्जाम्स एंड ऑफलाइन फॉर बोथ एस एस सी एंड पंजाब एग्जाम। ठीक है।